फर्स्ट टाइम मैं करवा चौथ कर रही हूँ और तुम्हें पता है मैं किसके लिए कर रही हूँ। मैं हिंदी भी लगाई हूँ बेवकूफ, जल्दी आ जाना रात में। क्या पूछ रहे आपसे हम? जो दिलवाया है उसी के लिए किए हैं। तोड़ देगा आपको भी वो किस्म। अरे बोलने दो ना, जब तुम्हारे तुमसे तैयार किया तो फिर मुझे उतना टेंशन नहीं है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और बहुत डर डर के मैं एक वीडियो बना रही हूँ आज, उनसे एक रिवेंज प्रैंक उन पे बना रही हूँ। उन्होंने करवा चौथ का जो प्रैंक बनाया था मेरे ऊपर, मुझे उसमें कसम से बहुत गुस्सा आया था। इन पर तो आया था, साथ ही साथ अपनी फ्रेंड पे भी आया था। तो उसी वीडियो का रिवेंज मैं बना रही हूँ। कल करवा चौथ है और अभी ये सोए हुए हैं दोपहर में, तो मैं सोच रही हूँ कि एक वीडियो बनाती हूँ। मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे, क्योंकि ठीक है लेडीज लोग पे लोग वीडियो बना लेते हैं, कुछ भी होता है तो एक बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन आदमी बर्दाश्त नहीं करता है अगर कोई लेडीज इस टाइप का कुछ अगर उसके साथ मजाक करे। तो ये अभी सो रहे हैं, तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इनका जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है वो आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए जाकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो, अरे हाँ अभी ये सोए हुए हैं तभी तो फोन किए हैं तुम्हें। देखो मुझे कुछ नहीं सुनना है, ठीक है? ये फर्स्ट टाइम मैं करवा चौथ कर रही हूँ और तुम्हें पता है मैं किसके लिए कर रही हूँ। जब तुम्हें पता है तुम्हारे लिए कर रही हूँ यार, तो फिर देखो सरगी मैं इनके हाथ से बिल्कुल नहीं खाने वाली हूँ। सुबह तुम्हें आना होगा, चाहे इसमें जो भी रिस्क हो। ये उठते तो है नहीं, इससे पहले भी मैं तीज करती हूँ या बेटी के लिए मैं क्या कहते हैं उसके लिए जीतिया करती हूँ, तो सुबह मैं उठती हूँ 2-3 बजे। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सोए रहते हैं, ठीक है? तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगी और तुम आ जाना। सरगी मैं तुम्हारे हाथ से खाऊंगी, देख लो, क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और तुम्हारे लिए कर रही हूँ, मैं इसके लिए नहीं कर रही हूँ यार। जब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूं तो फिर तुम्हारे हाथ से खाऊंगी ना। मेरी बात सुनो, मैं सुबह उठूंगी 3:30 बजे के आसपास, 3 बजे, ठीक है? हाँ, और देखो जो सरगी में खाना होता ना वो तुम ही लेकर आओगे। जी हाँ, वो पति ही खिलाते हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम ही लेकर आओ। मैं इसके हाथ से नहीं मंगवाऊंगी, नहीं। अरे देखो आप अपना खरीद लेना, कोई अच्छा सा मिठाई वगैरह जो मुझे पसंद है उसे लेके आ जाना, और बस जल्दी जल्दी गेट पे से ही आप मुझे खिला देना और निकल जाना, कोई रिस्क नहीं है इसमें, ठीक है? यार बात खांसी सर्दी खो 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 कर रहा, सोए हुए हैं यार, सोए हुए हैं। अरे उठ गए, रुको 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 रुको, लेकिन तुम्हें आना है, मैं फोन कर दूंगी रात में, तुम आ जाओगे 3:30 बजे, 3 बजे, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ हाँ। तुम्हारे नाम की मेहंदी भी लगाई हूँ बेवकूफ, जल्दी आ जाना रात में, ठीक है? क्या अरे सुनो, रखो रखो रखो, फोन भैया दे। हाँ है? हाँ भैया दे के? हाँ यार भैया है, तो भैया का नाम मेहंदी लगा रहे हैं। क्या बोला तूने? भैया के नाम पे मेहंदी क्यों लगाएंगे? कान बसते रहता है आपको यार, क्या आशीष नाम लिखा हुआ है फिर भैया के नाम, आप होश उसमें है क्या बोल रहे हैं? तो किसको बोल रहे कि तुम्हारे नाम की मेहंदी लगाए? आप सुन लिए, तो हम क्या कान बंद करके सोते हैं क्या? हम सोते कान बंद रहता है। अरे यार कितना हाइपर क्या हो रहे हैं,
तो हम तो सो ही रहे थे, कौन बोला था फोन में चिल्ला चिल्ला के बात करने के लिए? हम तो ऐसे ही दिमाग खराब कर रहा, सर्दी के कारण दिमाग खराब हो रहा है। तुम चले जाइए सोइए। कौन था ये बताइए? सर्गी वर्गी खाना है सुबह सुबह। तो सर्गी खाना है तो सर्गी क्या सर्गी सर्गी कर रहे थे आप फोन पे? कौन देगा सर्गी आपको? कौन देगा? आप ही बनाइएगा, खिलाइएगा, कुछ बना दीजिएगा मेरे लिए मीठा अच्छा सा। हम तो बना ही देंगे, आप मंगवा रहे थे, किससे क्या मंगवा रहे? कहाँ किससे मंगवा रहे हैं यार, सपना देख रहे थे क्या? आप ही तो बोले बोले मेरी सर्गी हम खाएंगे तुम्हारे हाथ से खाएंगे। किसके हाथ से खाते हैं सर्गी भाई? बस पूछना जरूरी है आपको क्या? कुछ पर्सनल बात नहीं कर सकते हैं हम? पर्सनल बात ना पर्सनल किया जाता है, ऐसे चिल्ला चिल्ला के नहीं बुलाया था पर्सनली बात। हम तो शांति से ही कर रहे थे, आपको कौन बुलाने के लिए इधर? कोई जब मतलब देखते नहीं है क्या कि बात कर रहे हैं, आगे सुन रहे हैं कि क्या बात कर रहे हैं? हम बात सुन रहे थे तुम्हारा, क्या हम सोए हो चुपचाप वहाँ पे? तो सो रहे थे कौन बीच बिछाने के लिए? हम बुलाए थे हमको यार, हम बात कर रही हूँ भैया। भैया ठीक है, भैया से बात कर रहे, आपको सुनना जरूरी था कि क्या बात कर रहे हैं? तो भैया के नाम से मेहंदी लगाया है, आप ही ना बोल रहे थे। फालतू की बात मत कीजिए, भैया के नाम कोई मेहंदी लगाता है? तो आप ही ना बोल रहे थे फोन पे मेहंदी लगाया है तुम्हारे नाम पे, फिर पूछ रहे मेहंदी कौन था? भैया था, बोल रहा हाँ भैया था। हे भगवान ये क्या हो रहा है? चली जा रही सोइए, हमको नहीं कुछ बोलना है इस बारे में। दिमाग वाग ठीक है? बहुत अच्छे से। तो ढंग से जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या जवाब दे? हाँ आपके नाम पे नहीं लगाया है मेहंदी, तो आपका नाम भी जैसे आपके नाम का नहीं होता है तो क्या ऑफिस कोई और है क्या? चलिए हटिए, हम सब कुछ नहीं बताना चाहते हैं आपको। क्या चाह रहे हैं आज, मतलब करवा चौथ के पहले मार खाना चाह रहे हैं हमसे? अच्छा मार दीजिएगा तो आपको छोड़ देगा क्या? छोड़ देगा क्या वो जिसके लिए रखे हैं? क्या बोल रहे हैं जी, दिमाग सही है आपका? हाँ सही है दिमाग मेरा, समझे? तो जो करते हैं आप तीज और पता नहीं क्या क्या करते हैं? तीज तो आपके लिए करते हैं ना, करवा चौथ फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अच्छा वो तीज सबके लिए मतलब डिवाइड, तीज मेरे लिए करते हैं, करवा चौथ किसी और के लिए करेंगे, क्या है ये? कुछ नहीं है। मुंह मत चमका, इधर देखिए पहले क्या पूछ रहे हैं आपसे हम। क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? कितना जोर से मेरे पैर में चोट लगा वो पता है? चोट लगा लग रही थी नांगों से, क्या मतलब है? आप बोल क्या रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। क्या यार आप मेरे लिए क्या करते हैं जो हम आपके लिए करेंगे करवा चौथ? और हम क्या करें, जाकर के नीचे जाकर कुदाली चलाएं, बैल हाके जाकर के पार्क में? क्या किए हैं मेरे लिए बताइएगा, क्या करवाना चाहते हैं? चांद तोड़ा तोड़ के दिए हैं? हाँ एक तो मतलब अभी कुछ भी मेरे पसंद का कभी खर्च के दिए हैं कभी भी? तो घर में किसका पसंद का है ये सब चीज? नहीं घर में सामान खरीदना है, मैं शरीर के लिए कोई सामान खरीदिएगा? आपके शरीर के लिए क्या चाहिए सर? करवा चौथ के दिन मतलब हम करवा चौथ के गए कपड़े लेने के, तो उसमें भी मेरे साथ नहीं गए, नहीं बोले कि लो पैसा लो, हम गए। आपको क्या लगता है कि वो साड़ी क्या आप पैसा दिए थे हमको खरीदने के लिए? वो हमको कौन दिलवाया आपको पता है? साड़ी जो दिलवाया उसी के लिए किए हैं और कुछ? मतलब जो साड़ी दिलवाया उसके लिए आप करवा चौथ कर रहे हैं, जो पूरा जीवन आपको दे दिया है जैसे ऐसे तैसे करवा रहा है आपके साथ, उसके लिए उसका जीवन में कुछ नहीं है, है? उसके लिए तो कर ही रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं आपके लिए? तीज नहीं करते हैं क्या? है ये तीज करते हैं मतलब क्या? अरे तीज मेरे नाम पर करवाओ, नाम बनाइएगा। अरे हाँ भाई हाँ, तीज करते हैं ना आपके लिए, जो हमारा बिहार का है, बिहारी है ना, हाँ तो तीस तो कर रहे हैं ना आपके लिए। तो आप कौन सा अमेरिका से है? यहाँ के लोग करते हैं, दिल्ली के लोग तो हम यहाँ दिल्ली तो हम, आप दिल्ली के हैं, जन्म आपको दिल्ली में हुआ है? दिल्ली का है ना, जिससे हमको प्यार हो गया है, ठीक है उसी के लिए कर रहे हैं। वाह दीदी वाह दीदी। नहीं और वही हमको सारे दिलाया, सब कुछ वो हमको दिलवाया है समझे, और मेरे लिए एक सेट भी लाएगा वो कल गिफ्ट मुझे मिल रहा, हमको मिल रहा है। आपको आपके लिए आप कहा से कर रहे हैं तीज? क्या दिलवा दिए हमको आप, दिलवाए हैं आज तक? गजब बेइज्जती है, घूर क्या रहे हैं हमको? तो सर्गी उसी के ना हाथ से खाएंगे जिसके लिए कर रहे हैं, जिसके लिए करेंगे तीन करवा चौथ उसी के हाथ से खाएंगे। आप सोए नहीं है घोड़ा बेच के, ऐसे में सो ही रहते हैं ऐसे घूरिए मत। दिल्ली वाले के नाम पे कर रहा करवा चौथ आप, रुकिए। हाँ कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत हो रहा है?
बांध लिए हैं क्या हमको? तोड़ देगा आपको भी वो, आपके समझे ना, जब पता चलेगा कि आप मेरे पे हाथ उठाए हैं तो। इतना मत समझिए, शादी शादी ठीक है, शादी हो गया है, बच्चा हो गया, मतलब ये नहीं कि आदमी को प्यार मोहब्बत नहीं होता है दोबारा, समझे? अब वो प्यार हो गया बुढ़ारी में। हाँ, बुढ़ापा आ गया है मेरा, तो बुढ़ारी में आपको प्यार हो गया है, आपको समझ में आया क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, हर उम्र में लोगों को होता है, ठीक है, हो गया तो क्या करे, ज्यादा आप मत सोचिए कि हम आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है, पता चल गया तो अच्छा ही हुआ, चल गया, मतलब क्या? अब ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए कि हम कल आपका चांद देखेंगे और फिर आपको शकल देखेंगे, हमको एक्सपेक्टेशन है भी नहीं, समझे? हाँ ठीक है, नहीं है तो। चांद देखना है ना आपको, चांद देखना है, उसका चेहरा जाइए उसी के पास, जाइए यहाँ से, निकले यहाँ से, जाइए, क्यों निकले, जाइए यहाँ से, मेरा घर नहीं है क्या ये? तो मेरा घर है तो मतलब यहाँ पे आप मतलब करवा चौथ बनाइए किसी और नाम, और हम आपके साथ बैठे रहे यहाँ पे, तो मत बैठिए, जाइए उधर जाइए, और मना बोल रहा कि आप मेरे साथ बैठिए, जहाँ हम जाए वहाँ, जहाँ हम रहे वहाँ मत रहिएगा आप, कल तो बिल्कुल भी नहीं, रहना नहीं है, बस कल का फास्ट है मेरा, हमको वो दिलवा रहा है, इतना कुछ तो आप कुछ दिलवाइएगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे, ये पेरेंट्स क्या होगा? बड़ा आया हमको मना करने के लिए हर चीज के लिए, हाँ हेलो सुनो, वैसे ही इसे पता चल चुका है, ठीक है, और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम खुले आम आ जाओ, हाँ रात में तुम आ जाना 11 बजे, यही रुक जाना, सुबह सरगी तुम्हारे हाथ से खाएंगे, अब हमको कोई टेंशन नहीं है, और कल जब तुम आओगे ना 11-12 बजे रात में, उसमें से लेके तुम्हें कल तक नहीं रहना है, ठीक है, अरे बोलने दो ना, जब तुम हाँ तुमसे तैयार किया तो फिर मुझे टेंशन नहीं है, करे फोन रखने के लिए, फोन रखो, देखो यार तो हम डरते हैं क्या किसी से, डरते हैं क्या किसी से, सुनो तुम आ जाना, ठीक है, आज ही आ जाना 11 बजे, आज दिखाया जरा, और हिम्मत है दिखाए मेरे घर में आकर कोई, हाँ हिम्मत है बोल रहा है, और कुछ देखो, देखे तो फोन दीजिए ना, हम बात करते हैं, कौन है, सुनो क्या ला रहे हो कल मेरे लिए, कुछ अच्छा सा गिफ्ट ले लेना, कोई अच्छा सा गाड़ी का सेट, ये तो दिलवाया नहीं हमको कभी भी, कह फोन रख लीजिए, अरे जाइए ना, उनके फोन हो रहा है, लड़ रहा है मेरे से सब घर में, तुम ले क्या ना आज, कौन है कुत्ता है क्या, हेलो हेलो क्या रख दिया कि बोल नहीं रहा था कोई, कोई फोन पे है ही तो बोलेगा क्या, मतलब क्या, मेरी फ्रेंड के साथ मिलकर आप प्रैंक बना सकते हैं तो हम प्रैंक नहीं कर सकते हैं कि हम भी किसी और के लिए फास्ट रख रहे हैं, मुंह तोड़ रहे बड़ा प्रैंक करना है, पर गर्मी आ गई, आता है प्रैंक करने, क्या प्रैंक करने आता है, क्यों क्या था, इतना गुस्सा क्यों आ रहा था आपको, वैसे ही दिखा रहे थे, दिखा रहे थे, हो गया आपने ऊपर प्रैंक दिखा रहे थे, हमने तो पहले ही पता था, क्या पता था, क्या पता था, क्या पता था, अड़िए क्या पता था, अड़िए हाँ दिखाई जरा चेहरा, सकल सकल दिखने के लिए जो चीज नहीं आता उसी के मतलब है।